नमस्ते सर। नमस्ते प्रिया, कैसे हैं आप? कहाँ से बिलोंग करते हैं ज्योति? अकबरपुर अंबेडकर नगर। तो आपने बीएड किया है और आपने लेवल 2 का एग्जाम दिया था इस बार। जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके टोटल 117 नंबर हैं 150 में से, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर है। पहले तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। गुड़िया की सबसे अच्छी बात यह है कि 60 में से 48 मार्क्स SST में रहे हैं, तो SST का तो एक विशिष्ट योगदान है। बाकी सब्जेक्ट में भी काफी अच्छे नंबर हैं गुड़िया के, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो, तो 48 एक अच्छा स्कोर है, तो पहले तो आपको बड़ी शुभकामनाएं, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। जो सबसे बड़ी एक समस्या रहती है वो टाइम मैनेजमेंट की रहती है बच्चों, मतलब जो देखी जाती है आम विद्यार्थियों जैसे हमारी बातचीत होती है, तो वो बताते हैं कि समय का जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाया एग्जाम के दौरान या पढ़ाई के दौरान। तो आपने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया, क्योंकि NCERT भी एक बड़ी मतलब एक चैलेंज ही है 6-8 की पूरा SST की NCERT पढ़ना, तो आपने कैसे उसे मैनेज किया, आप अगर बता सके तो बताएं। बस मैंने मॉक लगाया था, मैं तो मॉक का हैड था मेरे पास, और फिर क्वेश्चन मतलब सब कुछ बता गया था एकदम, मैं क्वेश्चन देती थी फटाफट से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो PYQs और मॉक टेस्ट यानी कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा CTET की प्रिपरेशन कर रहा है तो अगर PYQs और मॉक टेस्ट कंटिन्यू लगाए तो उससे काफी मदद मिलती है। तो जो आपका SST में इतना अच्छा स्कोर आया है, तो वो मतलब आप कैसे कर पाए? बस विपिन सर ने जो पढ़ाया मैं बस वही पढ़ती गई, मिसमूव करती गई, बस कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी करना पड़ा नहीं। विपिन सर ने प्रैक्टिस सेट भी काफी लंबे समय तक आपको कराए थे। यस सर, बस मैं उसी को फॉलो की और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा एक्स्ट्रा। पहले तो मैं बहुत डर रही थी 50-60 वाला बहुत हार्ड था, और NCERT तो मेरे पढ़ा भी नहीं था कभी। हाँ, बट सर ने मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, सारा डर निकल गया था फिर। जी, तो NCERT का ही विशेष रोल रहता है, और बच्चा अगर NCERT को 2-3 बार कम से कम अच्छे से रिवाइज करे तो वो SST में जो डर है ना कि नहीं होगा रह जाता है, तो कहीं ना कहीं गलती इसमें बच्चे की ये रहती है कि वो सोचता है कि सिर्फ कोई शॉर्ट नोट्स मुझे मिल जाए और मैं उन्हें पढ़ के 10 दिन में क्वालिफाई कर लूँ। तो मैं कहूँगा अगर सिर्फ वो तो तुक्का है कि आपका 10 दिन में पढ़ के हो जाए, लेकिन आप देखोगे जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं तो उन्हें मतलब लगभग 1.5-2-3 महीने तक लगातार अगर वो NCERT को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तभी वो पॉसिबल हो पाता है। अगर अभी तक आपके बात का पूरा निष्कर्ष निकाला जाए तो आपने दो बातें बताई हैं, एक तो NCERT और दूसरा आपने कहा है कि मॉक टेस्ट जो आपने लगाया उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, लेकिन जो आपका रिवीजन आखिरी के कुछ दिन थे जिसमें रिवीजन करना होता है, अगर एक बार बताएं कि आपने उस दौरान रिवीजन कैसे किया तो उससे दूसरे विद्यार्थियों को मदद मिल सकती है। मैराथन वगैरह भी मैंने देखा प्रीवियस ईयर का वही सर। अच्छा, जो एग्जाम से पहले हम संग्रह सीरीज वाली मैराथन लेके आए थे उसमें हमने तो टारगेट करते हुए और बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन उसमें लिया, तो उससे भी काफी आपको मदद मिली होगी। और कोई कुछ बात बच्चों के लिए आप बोलना चाहो? चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है बेटा, ठीक है ना, आगे भी पढ़ाई करते रहे, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर।